नमस्कार दोस्तों, लखनऊ फूडी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ़िश फ्राई। मछली बहुत ही सेहतमंद होती है और ये बहुत ही आसानी से हज़म भी होती है, और फ़िश फ्राई का स्वाद तो बहुत ही गज़ब का होता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही लज्जत से भरपूर और बहुत ही आसानी से बनने वाली है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लखनऊ में मेरा कैटरिंग का बिज़नेस है और मेरा एक फ़ूड ट्रक भी है। तो अगर आपको किसी कैटरिंग सर्विसेज की ज़रूरत हो तो आप मुझे याद कर सकते हैं। मेरे सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक बर्तन में 2 नींबू का रस निचोड़ लेंगे। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट डालेंगे, और मैंने 4 कश्मीरी लाल मिर्च को थोड़े से पानी में भिगो कर पीस लिया है, ये उसका पेस्ट है। अगर आपके पास ये पेस्ट ना हो तो आप कश्मीरी मिर्च का 1 टेबल स्पून पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, और इन सबको हम अच्छे से हाथों से मिला देंगे। अब इसमें हम अपनी मछली को डालकर बहुत ही अच्छे से मिलाएंगे और इसको ढक कर रख देंगे करीब 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। अगर आप इसे रात भर के लिए रखते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं रख पाते हैं तो 2-3 घंटे में ही काम हो जाएगा। ये देखिए, हमारी मछली का मैरिनेशन बहुत बढ़िया हुआ है। अब इसको हम फिर से अच्छे से मिला देंगे। और एक प्लेट में हम सूजी ले लेंगे। अब हम एक पैन में तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। अपने मछली के पीसेस को हम निकाल कर सूजी में अच्छे से लपेटेंगे और उन्हें हम तेल में फ्राई करने के लिए डाल देंगे। आंच को हमें तेज ही रखना है, और इस तरह हम अपनी मछली को फ्राई करेंगे। उसे हम दोनों तरफ से पलट कर करीब 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। और मछली को फ्राई करते समय आप लोग मेरे साथ ये गाना गाएं कि मछली जल की रानी है, उसको तलकर खानी है। इस तरह गाना गाने से आपकी भूख तो बढ़ेगी, मछली भी बहुत अच्छे से तल के तैयार होगी, और जब मछली तल के तैयार होगी तो आप उसे सारा का सारा ही निपटा देंगे। और जब हमारी मछली का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारी मछली खाने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। तो चलिए हम अपनी मछली को टेस्ट करते हैं। इसको आप मेरी बनाई हुई देहाती टमाटर की चटनी के साथ खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, और साथ ही अगर महा ठंडी घर की बनी बियर होगी तो वाह वाह वाह, सोने पे सुहागा है भाई सुहागा। तो आपको टमाटर की चटनी की रेसिपी और बियर की रेसिपी ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप लोग भी इस मछली को ट्राई करके देखें और मुझे बताएं कि आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मज़ा ना आए खाने में तो रपट करिए थाने में। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।